हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? अच्छे हो ना? मैं आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज प्यारे बच्चों, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ NCERT क्लास फर्स्ट मैथ चैप्टर 12 मनी यानी कि मुद्रा। आज हम मुद्रा के बारे में जानेंगे कि हमारे जो इंडिया है उसमें कौन कौन सी मुद्रा जो है चलती है, और मतलब कि कॉइन और जो नोट्स होते हैं उनमें आपको मैं बताऊंगी कि इन नोट्स को कितना इनको नंबर मिला है, कितना नहीं मिला है, और क्या ऐड करने पर कितनी मतलब नंबर बनता है, कितने रुपए बनते हैं, वो सारी चीज़ें हम इसमें आज पढ़ेंगे। तो आप कहीं भी जाते हो, आप अगर कोई चीज़ खरीदते हो, ट्रैवल करते हो, या कोई भी छोटी से बड़ी चीज़ खरीदते हो, हर एक चीज़ में मुद्रा की ज़रूरत होती है, रुपये की ज़रूरत होती है। अगर आपके पास पहले समय था कि कुछ सामान के बदले कुछ मिल जाता था, लेकिन अब नहीं ऐसा है। आज रुपए ही देकर, मुद्रा ही देकर हमें वो सामान वो चीज़ लेनी होती है। तो जो मुद्रा है आज के समय में उसका बहुत ज़्यादा महत्व है। मुद्रा नहीं तो नहीं खाने पीने की कोई चीज़ें, नहीं कोई इंजॉय, कुछ भी नहीं कर सकते हम। तभी तो सब क्या करते हैं प्यारे बच्चों, काम करते, वर्क करते, मनी को अर्न करते, कमाते, तभी तो हम अपनी जो नीड है, आवश्यकताएं, उन्हें पूरा कर सकते हैं मनी के थ्रू। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा प्यारे बच्चों, हमेशा सही रास्ता अपना अच्छे से सही रास्ता, और मेहनत से जो हम रुपए कमाते हैं उनसे ही अपनी आवश्यकताओं को पूरा करो, कोई गलत तरीके से रुपए ना कमाए, ठीक है? तो हमेशा अच्छे से मेहनत करो, ताकि आप अच्छे से अभी पढ़ोगे तो अच्छे नंबर आएंगे, अच्छे नंबर आएंगे तो अच्छे से आप किसी टेस्ट दोगे, कंप्लीट कर पाओगे किसी चीज़ को, और अच्छे से जॉब कर पाओगे, और उससे जो मनी आएगी वो आपकी मेहनत की होगी। तो उन चीज़ से ये याद रखना कि आप अपनी मेहनत से ही कमाए हुए जो रुपये हैं उनसे ही असली खुशी होती है, तो किसी गलत तरीके से रुपये ना कमाए, ठीक है? तो आज का जो हमारा टॉपिक है मनी, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। आप यहाँ देख रहे हो जो हमारा टॉपिक है वो है मुद्रा। इसको रुपए भी बोलते हैं, मुद्रा भी बोलते हैं, मनी भी बोल सकते हैं। तो आजकल प्रयोग किए जाने वाले सिक्के, ये क्या नाम आपके आजकल में प्रयोग किए जाने वाले सिक्के हैं, ये कॉइन्स। क्लियर? कॉइन्स इन्हें बोलते हैं सिक्के। सिक्के आपके इस तरीके से सर्कल टाइप में होते हैं, क्या होते हैं? सर्कल, गोल होते हैं इस तरीके से, गोल। और यहाँ नेचर का नंबर लिखा था 1, 2, 5, आप देख रहे हो जिस तरीके से इनके यहाँ लिखा हुआ है। तो ये आपका जो कॉइन है ये है 1 का, कितने का है 1, ये 5, 2, 10। फर्स्ट जो इनका आप देख रहे हो ये जो है ऊपर इस पे लिखा हुआ है 10 रुपीज। इसके बैक जो बैक राउंड होता है, बैक साइड होती है, उस पर अशोक स्तंभ बना हुआ, क्या अशोक स्तंभ बना हुआ है। सभी में आप कॉइन्स में देखोगे या नोट्स पर देखोगे ये जरूर मिलेगा, और उसकी संख्या आपको देखने का नोट है। तो ये आपके क्या कॉइन्स। और यहाँ आप देख रहे हो नीचे ये एक लड़की है, कुछ कॉइन ले रखी है, और यहाँ पर फल फ्रूट रखे है, तो वो इनको कॉइन देगी और फिर उसके बदले फ्रूट लेगी। तो इससे यही है मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, आजकल क्या हम अपनी नीड, आवश्यकता, खाना पीना जो चीज़ें हैं सब हम रुपए से लेते हैं। जब हम किसी चीज़ को रुपए देंगे तो ही वो हमें आगे जो हमें चीज़ चाहिए वो हमें देगा, ठीक है? ये कॉइन याद रखना। अब ये है नोट, क्या है नोट जो भारत में चल रहे हैं, ये नोट। ये आप देखोगे ऊपर जो है ये 5 रुपए, यहाँ देखो लिखा हुआ है, यहाँ महात्मा गांधी है, ये इनके नंबर होते हैं, यहाँ अमेरिका होता है, यहाँ ये लैंग्वेज होती है भारतीय रिजर्व बैंक ऊपर लिखा हुआ है। उसके बाद आप देखोगे नीचे वाला इस पर 10 का यानी कि 10 रुपए का है ये, ठीक है, नोट। और भारतीय रिजर्व बैंक यहाँ पर एक नंबर होता है, अकाउंट नंबर अशोक स्तंभ आप देख रहे हो यहाँ पर भी है, सभी में होता है अशोक स्तंभ, देख लो आप गांधी जी है, ठीक है। ये आप देखोगे ये 20 रुपए का है, ये 50 का है, ये 100 का। इसके बाद जो अभी इन प्रेजेंट जो नोट चल रहे हैं वो क्या है, इस तरीके से आप देखोगे तो
पहले 500 का भी क्या था, 500 का, लेकिन अब वो बंद हो चुका है। अब सीधा कितने का है, 100 के बाद 200 का, 200 का नोट है। 200 के बाद जो सबसे बड़ा नोट है वो है 2000 का। अब याद रखो पहले 5, 10, 10 का भी ये पुराने वाला है, एक नया नोट भी चल गया है 10 का, एक नया नोट चला है, 20 का भी नया नोट चला है, 50 का भी नया नोट चला है और 100 का भी चला है। तो आप ये देख रहे हो जो स्क्रीन पर है ये पहले वाले नोट है, लेकिन आज के टाइम में नए नोट आ चुके हैं, ये भी चल रहे हैं, ये नहीं कि ये बंद नहीं, ये वाले भी चल रहे हैं, इनके साथ ही साथ नए नोट भी आए हैं, 5 का 10 का 20 का 50 का 100 200 और सीधा 2000। 500 का नोट पुराने वाला हटा दिया गया है, उसकी जगह नहीं कोई नया नोट आया है, ये क्या हो गया। आगे बढ़े इन्हें कहते नोट। अब विभिन्न प्रकार के सिक्कों के जोड़ से राशि बनाइए। अब कहा गया कि ये जो सिक्के हैं इनकी मदद से राशि बनानी है, ठीक है। तो आप देख सकते हो राशि यहाँ क्या लिखा, 1 रुपया। तो हम ये 1 रुपया यहाँ पर बनाएंगे, ये 1 रुपया हमने बना दिया यहाँ पर, ठीक है। तो इसके अंदर हम देख सकते हैं यहाँ पर 1 रुपया इस तरीके से, और यहाँ पर ये जो बैंक का लिखा होता है उसके बैकग्राउंड में फिर अगर 2 रुपये, 2 रुपये का सिक्का ये रहा, 2 रुपये का सिक्का हो गया इस तरीके से। अब 2 रुपये और तो बन बन करके भी हम बना सकते हैं, ये बन क्या 1 1 2 ही तो होता है, तो प्यारे बच्चों ये 2 है, आप देखोगे 1 1 भी तो 2 ही होता है। अब 3 कैसे बनाएं, 3 की जगह अभी क्या लेना, 1 2 का ले लेंगे, ठीक है, 2 का और 1 का 1 का ले लेंगे। यहाँ पर देख सकते हो 1 1 मिलाकर यहाँ 2 बनता है, 2 + 1 करेंगे तो यहाँ 3 बनता है। अभी 3 बनाने के लिए, 3 रुपये बनाने के लिए और क्या करना होगा, 3 का तो क्योंकि है ही नहीं ना, तो 3 बनाने के लिए हम यहाँ 1 1 भी ले सकते हैं। तो ये 1, ये 1 और ये कितने के, 1 2 3, तो 3 2 1 3 2 1 2, ये 1 और 1 2 सीधा 2 भी हो सकता है, दिखाई दे रहे हैं ना आपको, आप देख लीजिए ऊपर देख लो प्यारे बच्चों, ये अब आगे बढ़ते हैं हम इसमें। अब है ऊपर कोई दे गए 1 का 2 का 5 का, यहाँ पर देख इनसे मिलाकर हमें बनाए विभिन्न प्रकार के सिक्कों के जोड़ से राशि बनाई। अभी राशि बनानी है यहाँ पर लिखा है, तो 4 बनाना है, तो हम सबसे पहले 2 2 2 4 2 2 ऐड करोगे तो कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। अभी 4 फिर से बनाते हैं, 1 1 करके बना सकते हैं, 1 2 3 4, तो 4 बन गया, और 2 और 2 वो भी 4 है। अभी 4 सीधा कैसे लेंगे, अभी देखो यहाँ पर भी 4 है, तो हम फिर से क्या कर सकते हैं, 2 का 1 लेकर और 2 बन के यहाँ पर ले सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। या फिर हम 2 का 1 ले लेते हैं, 2 का ले लेते, 1 1 का ले लेते हैं, फिर 1 1 का ले लेते, तो 2 3 4 हो गया,
फाइव का सिकाइए, फाइव का पॉइंट, अभी ये फाइव, तो इसको कैसे करेंगे पता है आपको? हम सीधा एक तो हम पहले यहाँ पर टू का ले लेंगे, अब देख लो ना टू ये है तो हम पहले टू का ले लेंगे, अब इसमें हम वन वन ऐड कर लेंगे, आप देख रहे हो टू थ्री फोर फाइव, टू फाइव टू प्लीज हो चुके हैं यहाँ पर, अभी फाइव बोला गया फाइव, तो हम वन वन करके लेंगे, वन वन टू थ्री फोर फाइव, तो फाइव हो चुके हैं यहाँ पर, अब देख लीजिए अगर अभी यहाँ पर देना हो तो यहाँ पर हम जैसे ये टू एक बार और टू ले सकते हैं और वन ले सकते हैं, टू टू फाइव, टू टू वन फाइव, देख रहे हो आप ये कॉइन है, ये जो मैं बना रही हूँ ना ये सिक्के बना रही हूँ इस तरीके से, ये जो गोल करके बना रही हूँ सिक्के, यहाँ पर नंबर जो लिख मेरे सेट हुआ तो टू रुपीज का होगा सिक्का कॉइन, ठीक है आगे देखो, विभिन्न प्रकार के सिक्कों के जोड़ से राशि बनानी है, निम्न राशि अब यहाँ पर सेम वही है तो हम यहाँ बना सकते हैं फाइव ले सकते हैं, ये फाइव और वन, फाइव वन ये वन है ये टू ये फाइव है, तो फाइव और वन सिक्स, तो सिक्स का यहाँ पर ये बन चुका है, अब यहाँ पर आप ले सकते हो पहले आप ले सकते हैं टू का भी ले सकते हो, ठीक है और अभी इसमें आप टू टू के टू 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 सिक्स टू टू फोर टू सिक्स, ये सिक्स अभी यहाँ वन वन करके ले सकते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव ये सिक्स, कितने हो गए सिक्स, तो ये हमने सिक्स यहाँ पर ले लिए है, अब उसके बाद फिर से सिक्स आ गया, तो अभी हम क्या करेंगे अभी पता है आपको, अभी हम इसमें टू ये टू, ठीक है ये टू टू फोर फाइव सिक्स सिक्स, अब ये वन डिजिट पूरी करनी है हमें, ठीक है आप देख सकते हो वन और फाइव करेंगे तो भी सिक्स आ जाएगा, अब है अपने मित्र से चर्चा कीजिए, क्या कहा गया है इसमें, अपने मित्र से चर्चा कीजिए कीजिए और मूल्य का अनुमान लगाइए, अब देख पा रहे होंगे कि अपने मित्र से चर्चा कीजिए और मूल्य का अनुमान लगाइए, अब इसमें क्या कहा गया पता है आपको, ये इमेजेस दे दी गई है, चित्र दे दिए गए हैं, तो इनके सामने इनका टैग भी है, अब देख रहे हो ये बैट है, बैट के साथ में देखो एक टैग है यहाँ पर 20 रुपीज लिखा हुआ है, तो बाकी सब में भी ऐसे टैग आप देख रहे हो, पुस्तक में इस कलर्स में गाइड में वॉच में पेंट में सब में इस तरीके से टैग है, तो इसमें कहा गया कि इनकी क्या कीमत हो सकती है, कितने रुपए का ये मिल सकता है, वो रुपए हमें यहाँ पर वो मनी हमें यहाँ पर लिखनी है, ये इसमें कहा गया है, तो आप देखो 20 का बैट है, तो आपने जिन
जींस खरीदी होगी, शॉपिंग की होगी, तो जींस कितने तक की आ जाती है? कोई इसका मूल्य बता सकता है कि जींस जो है कितने तक की एक आ सकती है? एक जींस टी शर्ट आप लेते हो 200 से शुरुआत हो जाती है, वही अगर जींस लोगे तो बताओ कितने तक? कम से कम अगर आप एज के अकॉर्डिंग भी होता है कि छोटे बच्चों कितनी मिल रही है, बड़ों कितनी, लेकिन ये बड़ों की है तो ये हम कम से कम 300 के अंदर चलते हैं मैक्सिमम, ये बहुत कम है लेकिन हम 300 का फिर चलते हैं। ठीक है, ये है 300। ये 300 रुपए की, अब ये देखो सफाई करने वाली झाड़ू, अब ये कितने तक की मिलती होगी? इसको हम दे देते हैं 50, क्योंकि इतने तक की आती है 50 की, 60 की इतने तक की आती है। वॉच, वॉच को हम दे देते हैं 250, 250 रुपए, 250 यानी कि 250। पाइप, पाइप को हम दे देते हैं 10 रुपए। ठीक है, अब ये कलर्स आप देख रहे हो इसके अंदर कलर्स, तो इसको हम देंगे कम से कम 20। ऊपर जो बुक है उसको हम देंगे कितने पता है आपको? इसको कम से कम हम देंगे 50। आप देख सकते हो यहाँ पर सबसे महंगी जींस है, उसके बाद वॉच, उसके बाद अफ्तर, बुक और झाड़ू, उसके बाद रंग, तो आप टोटल देख सकते हो जो है मतलब कि एक बार 300, ठीक है, उसके बाद 250, 50, 50, 20, 20, 10, ये देखो। ठीक है, इनका मूल्य हमने बता दिया, तो 0, 5, 5, 10, 15, 15 और 5, 20, 20, 0, यहाँ 0, 2 यहाँ पर कैरी में, तो 3 to 5, 5 plus 2, 7, तो आप देख सकते हो टोटल कितना आया, 700। ठीक है, कितने रुपए ये टोटल के 700 यहाँ पर टोटलिंग आई है, आपने टोटल किया साथ ही साथ। आप कहीं भी जाते हो, किसी भी शॉप पर जाते हो, अगर आप पेन भी लेके आ रहे हो कोई, तो वो भी 10 का 5 का आपको मिलेगा। तो इसीलिए कहा गया है आपको ये पता होना जरूरी है कि कॉइन क्या है, सिक्के, और उन पर क्या नंबर लिखा है, कितने सन में ये बने थे, वो सारी चीजें आप सिक्कों पर देखोगे आपको पता चलेगा। कोई इस तरीके से डोट होती है, देखो बड़ी तरीके, कोई इस तरीके से डोट है, कोई ऐसे, कोई इस तरीके से, कोई डायमंड, इस तरीके से देखना वो जो कॉइन्स होते हैं, सिक्के होते हैं, उन पर बने होते हैं स्मॉल स्मॉल छोटे छोटे, आपको पता चलेगा कि ये कहाँ बना है, कब बना है, इस तरीके से उस पर सन भी लिखा होता है जिस पर बना है, और उस पर काफी बार आप देखना किसान छपा है या फिर ट्रैक्टर छपा है या फिर सन छपा है, मोर छपा है, या अशोक स्तंभ तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आप ये चीजें देखना कुछ ना कुछ उस पर इमेज जरूर बनी होती है। और जो अभी नए नोट्स आए हैं उनमें से 10, 20, 50, 100, 200, 2000 सीधा ये बीच में, और कोई नोट नहीं आए हैं, 500 का था पहले लेकिन अभी नहीं है नए नोट्स में, तो अब जो कॉइन्स है कॉइन्स भी आने लग गए हैं, तो 200 के 150 के 500, ये मतलब इस तरीके से अब कॉइन्स भी आने शुरू हो जाएंगे। तो आपको अगर ये टॉपिक समझ आया होगा मुद्रा यानी कि मनी का, तो इसको आगे शेयर जरूर करें और चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू प्यारे बच्चों, बाय बाय।